पूजनीय संत समाज, बीजक के शब्द प्रकरण में शब्द 42 की कुछ पंक्तियां हैं। पंडित शोधी कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। इस शब्द की 20 की पंक्तियां हैं। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरी जाने को नाही। जही डर से भौलोग डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जानी। कहां ही कबीर सुनो हो संतों, जहां का पद तहां समाई। वास्तव में ये पूरा पद ब्राह्मणों से एक वार्तालाप पर आधारित है। साहब पूछते हैं शुरुआती पंक्तियों में, पंडित शोधी कहो समझाई, जाते आवा गमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो, कौन दिशा बसे भाई। पूरब की पश्चिम, उत्तर की दक्षिण, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूं, नरक जात धौ काहूं। इतनी पंक्तियां कहने के बाद कबीर साहब का निर्णय आता है। पहले वो पंडित से पूछते हैं, बात करते हैं, तर्क करते हैं। और तब जिसके लिए कबीर जाने जाते हैं, गुरु का मतलब होता है जो प्रकाश में जिए। गुरु वह होता है जो प्रकाश में जीता है, और उसके साथ जो होते हैं उन्हें भी वह प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु वह होता है जो निर्भय होकर जीता है और अपने साथियों को हाथ पकड़ करके निर्भयता के रास्ते पर ले जाता है। गुरु वह होता है जो अपनी समझ और अपने विवेक के आधार पर जीता है, और वह अपने साथियों को प्रेरित करता है कि तुम अपनी बुद्धि के प्रकाश से, अपने विवेक के प्रकाश से अपना जीवन जियो। वह गुरु होता है। गुरु ही चाहेगा कि जो मेरे साथी हैं, साथी नहीं भी हैं, वो अंधकार से निकलकर प्रकाश में जिए। अंधकार में हम कैसे जीते हैं? लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे से टकराते हुए, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए हम अंधकार में चलते हैं। प्रकाश में कैसे चलते हैं? प्रकाश में हम किसी से टकराते नहीं, किसी से लड़ते नहीं, लड़खड़ाते नहीं। हमारी नजरें, हमारी आंखें साफ साफ देखती हैं, और हम बिना किसी से टकराए हुए अपने रास्ते पर चलते हैं। प्रकाश है वह जो हमें अंधकार से मुक्ति दे। गुरु है वह जो प्रकाश में जीता है, और वह चाहता है कि सारी की सारी सृष्टि प्रकाश में हो जाए। कबीर ऐसे ही हैं। कोई शास्त्र, कोई पंथ, कोई परंपरा, कोई मत, कोई मजहब, कोई मंदिर, कोई देवी देवता, कोई मूर्ति पूजा, इनका पक्ष लेते हैं। कबीर एक ऐसे आदमी हैं जो जनता का पक्ष लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर लिखी है, वो यूरोप गए थे। तो जब यूरोप गए तो वहां के लोगों ने, विद्वानों ने, कवियों ने मुझसे पूछा, आपके यहां
कोई ऐसा आदमी है जो ऊंचे दर्जे का कवि हो? तो उन्होंने कहा, हाँ बंगला में तमाम है, चंडी है और हिंदी में कई हैं, जैसे सूरदास हैं, जैसे तुलसीदास हैं, जैसे ये हैं, जैसे वो हैं। तो उन कवियों ने कहा, हाँ हमने तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा है, हम सूरदास के बारे में भी जानते हैं, हम चंडी के बारे में भी जानते हैं, पर ये लोग तो वो हैं जो कहते हैं कि किसी परलोक में कोई ईश्वर रहता है, उसकी भक्ति करो, मरने के बाद तुम उस तक पहुंचोगे। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जो परलोक मानने वाले हैं। क्या ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ है हिंदुस्तान में जो इस लोक की बात करता हो, आम जनता के कष्टों की बात करता हो और उनका सहयोग करता हो? तब उन्होंने कहा, हाँ हमारे यहाँ बनारस में कबीर हुए हैं, वो किसी नीचे दर्जे के थे और उन्होंने जनता का पक्ष लिया है। तो उन्होंने पूछा, तो क्या आपने कुछ ऐसा काम किया है उन पर? तो टैगोर मौन रह गए और वो जब वापस हिंदुस्तान आए तो उन्होंने आकर के अपने हिंदी और संस्कृत के उनके प्रोफेसर थे क्षिति मोहन सेन, आप लोगों ने नाम सुना है अमर्त सेन का, अमर्त सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र का। वो क्षितिज मोहन सेन की बेटी के बेटा हैं। उन्हीं क्षितिज मोहन सेन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने यहां रखा था प्रोफेसर के रूप में हिंदी और संस्कृत के। उनसे उन्होंने कहा कि क्या कुछ कबीर की वाणी है क्या? तो उन्होंने कहा, कोई लिखित वाणी तो नहीं है कबीर की। तब क्या करो, तो जहां जहां कबीर का सत्संग होता था, कबीरपंथी लोग रात में जुटते थे और गीत गाते थे बिहार में और बंगाल में, वहां पर क्षितिज मोहन सेन गए और जब कबीर के भजन गाए जाएं तो वो लिख लिया करते थे। कबीरपंथी साधुओं के भजनों को सुन सुन करके उन्होंने चार खंडों में एकत्रित किया और कुछ छपवाया। उसमें से टैगोर ने 100 पदों को चुना और उनको उन्होंने 100 पोएम्स ऑफ कबीर के नाम से प्रकाशित किया। कबीर की पहचान जनता के आदमी के रूप में है। कबीर वो आदमी है, वो कैसे कहते हैं, जो मुहि जाने ताही में जानो, लोक वेद का कहां न मानो। लोक और वेद का भय देते हो, लोक मतलब लोग क्या कहेंगे और वेद मतलब शास्त्र पुस्तक में क्या लिखा है। कबीर कहते हैं, लोक वेद का कहां न मानो, मैं परवाह नहीं करता लोक और वेद की। मैं जनता की मैं चीज कहूं, जब हम बोलने वाले लोग बोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जनता इस बात को समझेगी कि नहीं समझेगी, हम कुछ ऐसा कहें जो जनता समझे। मैं एक चीज कहूं, कई बार सोचता हूं बोलने वाले से ज्यादा समझदार जनता होती है, बोलने वाले से ज्यादा समझदार जनता होती है। बोलने वाले का इतना स्तर ही नहीं होता है कि वो जनता को संभाल सके। जनता को प्यार भी चाहिए और जनता को सही ज्ञान भी चाहिए। जनता को सिर्फ मनोरंजन और कहानियां नहीं चाहिए, वो बहुत सुन चुकी है कहानियां। और अगर कहने वाले में दम है तो जनता उसको ऐसे सुनेगी जैसे लोग गर्मी में पानी पीते हैं,
राहत के लिए। कबीर ने जिस जनता से अपनी बात कही उस जैसी अशिक्षित जनता तो आज नहीं है। उस जमाने में एक चीज मैं और भी कहूं, जनता जितनी अशिक्षित होगी, जनता जितनी गरीब होगी, जनता जितनी अनपढ़ होगी, जनता जितनी अपने अधिकारों से दूर होगी, उतना ही नेता महत्वपूर्ण होता है, उतना ही गुरु महत्वपूर्ण होता है। और जैसे जैसे जनता प्रशिक्षित होती जाती है, जैसे जैसे जनता सुशिक्षित होती जाती है, उतना नेता का मान घटता जाता है, उतना उतना गुरुओं का मान घटता जाता है। जनता जितनी कमजोर होगी, गुरु और नेता का मान उतना ज्यादा होगा। जनता जितनी धनी होगी, जनता जितनी जागरूक होगी, जनता जितनी प्रशिक्षित होगी, जनता जितनी पढ़ी लिखी होगी, उतना नेताओं, अफसरों, गुरुओं की कीमत उतनी कम होगी। आपकी कीमत, हमारी कीमत गांव में जितनी है, शहरों में उतनी नहीं है। कारण, शहरों की जनता के पास संसाधन ज्यादा हैं, हमसे ज्यादा संसाधन है उनके पास, हमसे ज्यादा जानकारियां हैं उनके पास। एक गांव में, एक देहात में किसी पुलिस अफसर का कितना रोब होता है, नेता का कितना रोब होता है, वही पुलिस अफसर शहरों में चला जाए, कोई ताकता नहीं उसकी तरफ। जनता को जितना मजबूत कर दोगे, नेताओं और गुरुओं की भूमिका उतनी कम हो जाएगी। कबीर के समय में, अच्छा क्यों ऐसा क्यों है, वो इसलिए कि जो शक्ति है, जो ज्ञान है, वह एक दो आदमियों में ज्यादा केंद्रित हो जाता है तो बाकी के लोग कमजोर हो जाते हैं। वही ज्ञान जब सब में बढ़ जाता है तो चीजें बराबरी की हो जाती हैं। कबीर ने कभी ऐसा नहीं समझा कि जनता को मैं ज्ञानी बना दूंगा तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। कबीर साहब ने कभी ऐसा नहीं समझा कि जनता को हम पूरा ज्ञान बता देंगे तो जनता में हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं था। जो सत्य का साधक होता है, जो सत्य का जिज्ञासु होता है, वह अपनी प्रतिष्ठा की बात कहीं नहीं चाहता है, वो सिर्फ सच बताता है बस। क्योंकि सच बता करके वह रोटी, कपड़ा और मकान की गुंजाइश नहीं रखता है। कबीर साहब उस जमाने में आम जनता से, साधारण जनता से, उस समय वो क्या पढ़ी लिखी रही जनता होगी मैं समझ नहीं पाता, क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी, लेकिन ऐसी जनता के बीच में बैठ करके कबीर वो बात कहते हैं जो आज की तारीख में पढ़ी लिखी जनता के बीच में हमें कहने का साहस नहीं होता है। और कबीर कैसे हाथ पकड़ते हैं, पंडित से तर्क करते हैं और पंडित को पकड़ते हैं, उसे प्रश्न करते हैं और फिर जनता के पास जाते हैं और तब जनता का समाधान करते हैं। और कैसे कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जो हरि को जानता है, हरि माने अपनी आत्मा, अपना स्वरूप, जिसने अपने आप को जान लिया उसको स्वर्ग नरक नहीं जाना है, उसे स्वर्ग नरक का कोई भय नहीं है। अनजान आदमी को स्वर्ग और नरक का भय होता है। जो अपने आप में स्थित है उसे न कहीं स्वर्ग में जाना है, न कहीं नरक से भयभीत होने की आवश्यकता है।
जही डर से भव लोग डरतु हैं। भव के लोग, संसार के लोग इस डर से डरते हैं, सो डर हमरे नाही, वह डर मुझ में नहीं है। गुरु वह जो निर्भय हो और हमें भी निर्भय बनाए। मैं ये बात तो नहीं मानता हूं कि कबीर कान फूंकने वाले गुरु थे, मैं ये बात नहीं मानता हूं कि बुला करके कमरे में बंद करके वो कान में मंत्र फूंकते रहे, कबीर ऐसे गुरु नहीं थे। कबीर वह गुरु थे जो बाजार में बैठ करके जनता को अपनी बात कहते थे। और मैं ये भी नहीं मानता हूं कि कबीर कंठी देते रहे। कबीर एक दूसरे तरह के गुरु थे। हम लोग तो बने बनाए और सीखे सिखाए धार्मिक लोग हैं। कबीर इस तरीके के नहीं थे। उनका जो जनता से संबंध था वो भी दूसरे तरीके का संबंध था। हमारे ये जो आश्रम की परिधि है, ये जो आश्रम की बाउंड्री है, ये हमारी रक्षा करती है। लोग समझते हैं कि इस बाउंड्री के भीतर संत रहते हैं, साधु रहते हैं। कबीर इस तरह की किसी जगह में नहीं रहते थे जहां कोई घेरा बना हो, जहां कोई गेट लगा हो, जहां कोई नियम हो। कबीर ऐसी किसी जगह पे नहीं रहते थे। कबीर के जाने के बाद, बहुत वर्षों के बाद, कबीर चौरा मठ के रूप में विकसित हुआ है। उसके पहले तक कबीर चौरा हुआ करता था, मठ नहीं हुआ करता था। मठ तो अब है। कबीर चौरा मतलब वह जगह, चबूतरा, जहां गांव के लोग आकर के बैठें और अपने दुख सुख की बातें करें, वह है चौरा। कबीर के जमाने में वह चौरा हुआ करता था। कबीर सीधे जनता से मिलते थे, वहां कोई बाउंड्री नहीं हुआ करती थी कि ये बाउंड्री के बाहर के लोग हैं और हम बाउंड्री के भीतर के लोग हैं। इसीलिए कबीर सीधे जनता से जुड़े। हम में जनता से जुड़ने की सामर्थ्य नहीं है। सीधे सीधे हम किससे जुड़ते हैं? हम भक्तों से जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं जो हमें साहेब बंदी कहें। बाकी लोगों से हम नहीं जुड़ सकते क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं जिएगा और हम उसके अनुसार उसको समझेंगे नहीं। कबीर के यहां ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सीधे जनता से जुड़ते थे, सीधे जनता की बात कहते थे, सीधे जनता को ऊपर उठाते थे। वहां ये नहीं था कि कबीरपंथी है कि नहीं है, हमें मानता है कि नहीं मानता है। गुरु सिर्फ उनका गुरु नहीं होता है जिनको वो दीक्षित करता है। गुरु सिर्फ उनको नहीं मानता है जो उसके चारों तरफ रहते हों, उसकी सेवा करते हों, नहीं। गुरु का मतलब है एक माँ जैसा दिल जो सबके प्रति आग्रहशील होता है, सबके प्रति। वो ये नहीं देखता है कि ये बाउंड्री के अंदर वाला है कि बाउंड्री के बाहर वाला है। एक बार गुरुदेव रिक्शे में बैठ करके किसी के घर से अपनी जगह पर आ रहे थे। जब उतरे अपनी जगह पहुंच करके, तो उन्होंने रिक्शे वाले को ऊपर बुलाया अपनी जगह पर। उसका जो किराया होता है, किराया उसको दिया और साथ में कपड़ा दिया। ये कपड़ा, इसे तुम अपना कुर्ता पैजामा बनवा लेना और साथ में सिलाई के पैसे भी दिए। ऐसा ना हो कि सिलाई के पैसे ना होते कपड़ा पड़ा रह जाए। सिलाई के पैसे दिए, कपड़े दिए और उसकी
उसकी मेहनत का जो हिस्सा होता था वो तो दिया ही, देने की क्या जरूरत थी। वो शिष्य था उनका, वो अनुगामी था, वो परिचित था, नहीं। जो गुरु होता है वो सबके प्रति प्रेमपूर्ण हो जाता है। ये चीजें हम न जाने सीख पाएंगे जीवन में कि नहीं सीख पाएंगे। कबीर बने बनाए साधु न थे, वो किसी पंथ के मुखिया भी नहीं थे। जैसे नानक साहब ने पंथ चलाया था, अपने बाद अपने शिष्य को बुलाया, गद्दी पर बैठाया, उसकी पूजा की और कहा तुम बैठो तुम चलाओ। कबीर साहब ने तो अपने रहते रहते अपनी अपने चौरा को अपनी कुटिया को सुनसान कर दिया था। गुरु किसी आश्रम में जीवन भर रहे और अंत में उसको छोड़ करके किसी और जगह चला जाए, इसका मतलब है कि आपने आश्रम को सूना कर दिया। गुरु ना रह जाए तो वहां कौन रहेगा। तो कबीर ने तो अपने रहते रहते कबीर चौरा को छोड़ दिया था। उनके मन में कुछ भी ऐसा ना रहा होगा कि मेरे बाद ये कुछ चले कुछ करे। उन्होंने तो अपना जीवन होम कर दिया था, बताने में संवारने में। अगर कबीर साहब 120 साल तक जिए, अगर जिए तो उन्होंने बहुत से शासकों को देखा, बहुत से राजाओं को देखा। दिल्ली के 9 बादशाहों की बादशाह तो कबीर ने देखा था, तब जाकर के उनका शरीर छूटा पूरा हुआ है। और हर जगह उन्होंने बात कही है, हर जगह वो मंदिर में पंडित से लड़ते हैं, मस्जिद में मौलवी से लड़ते हैं, काजी से लड़ जाते हैं, बादशाह से भी। क्यों क्यों लड़ जाते हैं? सिर्फ इसलिए कि अगर ये गलत हो जाते हैं तो जनता गलत हो जाती है। और जनता को सही सही मार्ग दिखाने के लिए कबीर किसी से भी लड़ जाते हैं। इस शब्द में वो पंडित से बात करते हैं और फिर वो अपना निर्णय देते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, अनजान आदमी को तुम स्वर्ग नरक का झांसा दो पंडित। जो हरि को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को समझता है, उसे तुम कैसे डराओगे। जय डर से भव लोग डरे तुम्हें सो डर हमरे नाही। हम तो नहीं डरते हैं, तुम जनता को डराते होगे, उन्हें डराओ पंडित, हमें कैसे डराओगे। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाए, मुझे स्वर्ग नरक नहीं जाना है। तुम्हारे पाप और पुण्य की शंका भी मुझे नहीं है। पाप क्या है मैं जानता हूं, पुण्य क्या है मैं जानता हूं। हर आदमी पाप को समझता है और हर आदमी पुण्य को समझता है। उसके लिए उसे शास्त्रों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमें दुखी करती है, जो चीज हमें कष्ट देती है, वैसा व्यवहार जब हम दूसरे के साथ करते हैं वही पाप होता है। इसके विपरीत जो चीज हमें ठीक लगती है वो जब हम दूसरों के साथ करते हैं वही पुण्य है। तो इस सीधे सीधे पुण्य और पाप को तुम शास्त्रों से मुझे समझाओगे कैसे। मुझे कोई शंका नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा पूछने के लिए समझने के लिए, और ना मुझे तुम्हारे स्वर्ग नरक जाने हैं। कहानी कबीर सुनो संतों, जहां का पद तहां समाई। जो जहां का पद है
उसी में समाता है। पानी की शीतलता पानी में समाहित है, आग की गर्मी आग में समाहित है। गर्मी अलग नहीं, शीतलता अलग नहीं। वैसे ही मुझे कहीं अलग आना जाना नहीं है, मैं तो अपने आप में संतुष्ट हूं, पूरा हूं। ना मुझे किसी लोक में जाना है, ना किसी परमात्मा में मिलना है। इतनी सही समझ और इतना धारदार तरीका और इतना साहस कबीर में शुरू से रहा कि बीच की उम्र में आया, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुस्तक में यह लिखा नहीं मिलता है कि कबीर के विचारों में परिवर्तन हुआ हो, ऐसा नहीं मिलता है। जहां भी मिला है कबीर साहब का एक जैसा स्वर शुरू से मिला है, वो शुरू से ऐसे थे, उनके संस्कार वैसे थे, जैसे मिर्चे का पेड़ उसी जमीन से पितास ले लेता है, जैसे नींबू का पेड़ उसी जमीन से खट्टापन ले लेता है, जैसे आम का पेड़ उसी जमीन से मिठास ले लेता है, वैसे ही इसी वातावरण से, इसी समाज से, इसी परंपरा से, इन्हीं शास्त्रों से, इन्हीं पंडितों से कबीर अपना जो उनका मूल अंदाज है, जो उनका तरीका है, वो ले लेते हैं। रामानंद के साथ रह करके भी कबीर रामानंद जैसे नहीं हुए। अक्सर गुरु का प्रभाव शिष्य में आता है, लेकिन रामानंद की राम भक्ति कबीर में उस ढंग से नहीं आई। शास्त्रों को मानना नहीं आया, वर्ण व्यवस्था नहीं आई। जो भी लिया कबीर साहब ने, वो सब कुछ अपने एक अंदाज में लिया। शब्द 42 की थोड़ी सी कुछ पंक्तियां और उसके आधार पर कबीर साहब का जो जो सोच है, उनका जो विचार है, और फिर एक गुरु कैसा होता है, वो कैसे खिलता है, कैसे बनता है, कैसे बनाता है, और कैसे सब कुछ एक दिन छोड़ करके चला जाता है बिना पलट कर देखे। यह साहब का जीवन प्रमाण है। कुछ देर के लिए मैंने अपनी बातें कही, बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।